अपनी बात को कहने में समर्थ होता है। और जो पुरुष भावुक है, चित्त चलेमान है और भीरु है, वो अपनी पूर्ण बात को नहीं कह पाएगा और अंदर ही अंदर भरे रहेगा, बोले हम ये बात नहीं कह पाए, ये बात नहीं कह पाए, न स्वयं खाली हो पाएगा, न समाज को अपनी बात बता पाएगा। अपनी बात का मतलब आप्त के वचन, यहाँ पर तो आप्त के वचन कहने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। इतने मधुर भाव में समझा दो कि अपनों के बीच में धर्म कहना सरल है, जो अपने नहीं हैं उनके बीच में अपना पन दिखाकर ही धर्म कहना। धर्म के मार्ग पर ऐसे लोग दूर हो रहे हैं और उस मार्ग पर दूर होने वाले लोगों को कैसे अंदर तुम प्रवेश दिला पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनों अपनों पर प्रीति दिखाता है, दूसरों के प्रति हीन भावना प्रकट करके उसको एक उपेक्षा दृष्टि से दिखता है। और पर की उपेक्षा जो है ये बहुत बड़ा जहर सी कालकूट जहर है। उपेक्षा में जी पाना सुब्रत साग जी बहुत कठिन है, उपेक्षा में जी पाना बहुत कठिन है। अग्नि के अंगारे पर चलने वाले लोग मिल जाएंगे, पर जो अग्नि के अंगारे पर चल के दिखा रहे हैं उन्हें प्रशंसा मिल रही है। अंगारे उनको कष्ट नहीं दे रहे हैं, पर कोई आपको रसगुल्ले खिला, चंदन के चीटे मारे और उपेक्षित भाव से देखे, तो विश्वास रखना उपेक्षा महाज्वाला, उपेक्षा महाज्वाला, भावों की विशुद्धि, उत्साह, उमंग इनको क्षण मात्र में विलीन कर देती। और सोचिए जो व्यक्ति परमस्य जिनमत में आए, उस जैन समाज धनाढ्य कुशल सदाचारी, पर उसकी उपेक्षा सेना बहुत कठिन है। जिसको इस समाज चाहती है उसको सिंहासन पर बिठाती है, जिसकी उपेक्षा कर देती है वो यही समाज का, दुनिया की कोई भी समाज हो, जिसका उपेक्षा कर देती समाज, वो आदमी कितनी गुणवान हो उसके कोई गुण नहीं देखे जाते। चाहे आपका घर हो, चाहे तुम्हारा कुटुंब हो। इसलिए ये खोज करना चाहिए मैं उपेक्षणी हो क्यों रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उपेक्षा करने वालों के अंदर ही दोष, उपेक्षणी हो क्यों रहा हूँ। किसी क्षेत्र में प्रवेश करो, उसकी मानसिकता को समझिए और उसकी मानसिकता को चोट मत दीजिए। आप प्रथम दिन से ही चोट दोगे तो तुम्हारे ये कोई सहन नहीं कर पाएगा, ये अंदर का विषय समझिए आप। त्यागियों का सम्मान श्रद्धा के बल पर होता है, व्रतियों का सम्मान श्रद्धा के बल पर होता है। आप उनको देते ही क्या हो, कौन त्यागी समाज को क्या देता है। आप व्यवस्थित जीवन जियो और अपनी चर्या को किसी का सिर दर्द मत बनाइए, और सिर दर्द बनाओगे ना तो फिर आप उपेक्षा ही पाओगे। आंतरिक तपस्या को बढ़ाइए और जो सामाजिक विषमता खड़ी कर दें, लोगों के चौके की विषमता खड़ी हो जाए, तो फिर वो आपको उपेक्षा मिलेगी, मिलेगी 100% मिलेगी। धारावाहिक लाइन चल रही है उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता, तार पे तार पटक दोगे तो सब काम बिगड़ जाए, पूरी लाइन ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे कुछ लोग धारा से हटकर के तपस्या करते हैं, और धारा से हटके तपस्या करोगे फिर तुम उपेक्षा पाओगे। और सबसे मूल विषय यहाँ क्या चल रहा है कि हमें अपनी साधना के, अपने सिद्धांत के साथ, अपने सिद्धांत पर दृढ़ता, दूसरे के सिद्धांत का भी सम्मान देखना पड़ेगा। जैसे पुनीत सार को दान चाहिए, माना कि अहो मांगने के इच्छुक
दाता की क्षमता भी तो देखो। आपको अपनी आवश्यकता तो दिख रही है, पर जो देने वाला उसके अंदर भी कोई आवश्यकताओं की इच्छा की पूर्ति का विषय होगा कि नहीं होगा। बस जो त्यागी वृंद साधु वृंद टाइप के लोग रहते हैं, वे अधिकार दिखा कर अपनी इच्छाओं को तो व्यक्त करके, और नहीं दो तो समाज को गालियाँ बकने लगते हैं। यूँ कहते ये समाज बेकार है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। आपको विवेक होना चाहिए। यदि सुब्रत सा इधर देखना जरा, धर्म कांटे लगे जगह जगह, ठीक है ना, धर्म कांटे। सोने के भी तुलन धर्म कांटे पर होता, तो ट्रकों का माप भी धर्म कांटे पर होता बराबर। लेकिन पीयूष वहाँ लिखा रहता कितनी क्षमता वाला धर्म कांटा है, वहाँ लिखा रहता है यहाँ उतनी क्षमता तक का वजन वही ट्रक तुलता वहाँ। यदि उससे अधिक क्षमता वाले वजन है तो वो दूसरे धर्म कांटे के पास जाइए आप। ये सही कह रहा हूँ। बस यही साधु संतों को महात्माओं को सीखना चाहिए इस बात को कि आप धर्म कांटे पे तुलने तो आए हो, लेकिन क्षमता देखना चाहिए कितनी है। दाता से भीख मांगने तुम आए हो, उसकी भी क्षमता देखो कितना दे पाएगा। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हो कि हमारे ग्रंथों का प्रकाशन हो जाए, हमारा तीर्थ बन जाए, हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, पर ये भी तो देखो देख सामने वाला की क्षमता क्या है। कोई चने रोटी खिलाने की क्षमता रखता है, उसके यहाँ तुम खुश होकर खा के आओगे, वो तुमको दूसरे दिन बुलाएगा, प्रसन्न होकर बुलाएगा। और जिस घर में चने उसके यहाँ तुम बाटियाँ खाना चाहती हो, तो फिर अलग से उसको व्यवस्था बनाना पड़ेगी। बहती धारा में जियोगे, श्रावक को कोई कष्ट नहीं होता है। धारा के बाहर जाओगे, मालूम क्यों परेशानी आ रही है, धारा के बाहर जा रहे हैं इसलिए उनको परेशानी आती है। और जिन्होंने नियम दिलाए हैं वे सामाजिक और मूलाचार का व्यवहारिक गुण उससे शून्य थे। तो मूलाचार में व्यवहारिक गुण भी लिखा है, भगवती आराधना में व्यवहारिक गुरु भी लिखा है। साधक को दयालु होना चाहिए, साधना के क्षेत्र पर क्रूरता नहीं आना चाहिए। तुम साधना की क्रूरता में इतने तुल चुके हो कि तुम दूसरे का ध्यान ही नहीं रखते, उसको बेचारे को बुरा लगेगा भला लगेगा कुछ मुझे प्रयोजन नहीं है। और जिसकी जो भूमिका उसके अनुसार व्रताचरण का पालन करो तो तुम्हारा अच्छे से पालन होगा। कपड़े पहने बैठे हो हतीसा, और गुप्तियों की और समतियों की गूढ़ता में जा रहे हो तुम, भूमिका तुम्हारी जितनी है उतना व्रत और श्रावक व्रत का पालन करो आप। और अपनी भूमिका के बाहर जाओगे फैल ही हो क्या जाओगे। इसलिए यहां पर आचार्य भगवान त्रिवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं, सिद्धांतों को दृढ़ता से आप रखिए, परंतु विद्वानों के मध्य में अपनी बात कहने के लिए क्षमता लाइए, पर समता के साथ। क्षमता लाइए समता के साथ। यदि कोई पुरुष श्रेष्ठ साधक है, दूसरा उसको साधना करते नहीं दिख रहा है, उसकी आलोचना के पहले उसकी योग्यता को देखिए आप, तो आप प्रशंसा करते मिलोगे। माना कि कोई व्यक्ति पूर्ण अभक्ष भक्षी हो, उसने अन्य अभक्ष छोड़कर के सामान्य भोजन लेना प्रारंभ कर दिया है, अब तुम कह रहे सोले का नहीं खाता कैसा पापी कैसा पापी, ठहरिए भाई, मांस खाए अच्छा लगता है आपको क्या? अब तुम करोगे प्रशंसा, उसने मांस छोड़ दिया है, मांस छोड़ दिया है परंतु बिना सोले के खाता है, तो आप बिना सोले की बुराई मत देखिए। अभी उसने मांस छोड़ा उसकी अच्छाई देखिए आप।
लोगों की आंख नहीं आ पा रही, पीयूष इसलिए परेशान है जगत, इसलिए परेशान है। उसने मांस छोड़ा ना, वो खुशी मनाओ। अब धीरे धीरे उसका उत्कर्ष होगा, सोले का भी भोजन करने लग जाएगा, व्रति बन जाएगा। तो ये क्षमताएं होना चाहिए। प्रवचन का उद्देश्य ये है कि कोई भी धर्मात्मा, आपकी दुकान ऐसी होना चाहिए कि ग्राहक तुम्हारी दुकान पर चढ़ चुका है, बाहर नहीं जा पाए। इतने प्रकार की सामग्री रखिए आप, तो वही साधु के अंदर, वक्ता के अंदर क्षमता आना चाहिए। तुम्हारी प्रवचन सभा में जो आ चुका है, अब बाहर ना जाने पाए, उसको सरल से सरल सुनाइए और कठिन से कठिन सुनाइए और मध्यम भी सुनाइए। कोई त्यागी तुम्हारे आ चुका है, अब वो इधर उधर ना भटक पाए, उसकी योग्यता के अनुसार उसके व्रत का पालन कराएं आचार परमिष्ठ। वो अन्य जो मुनिगण साथ में हैं, वे उसकी योग्यता देख के निर्णय करें कि भाई ये तो सोचो डाकू आदमी साधु बन गया, तो आप उसके डाका छोड़ा उसकी प्रशंसा करो ना। इसके उपरांत उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। प्रथम दिन तो आप भी जन्मे थे, उसी दिन आपसे कहते इस बच्चे से रखवाओ 100 मन का वजन, वो बच्चा वहीं खत्म हो जाता। तो बस ये प्रज्ञावान लोगों को प्रज्ञाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। नोट करो उस विषय को, प्रज्ञावानों को पर प्रज्ञा की क्षमता का भी बोध होना चाहिए। तो फिर कभी तुम नाक नहीं सिकोड़ोगे, किसी के प्रति अशुभ मत सोचोगे, ठीक उसकी योग्यता। और औदिक भाव की व्याख्या है क्यों समझ सागर जी? ये मात लोग पढ़ते समय ही समझते हैं, अध्ययन नहीं। अध्ययन प्रश्न लगाना चाहिए अपन को, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। माना कि कोई साधक है प्रणीत सागर जी, उसके अंदर यही योग्यता आ चुकी है, बोले हम तो आगे ही चलेंगे, आगे ही चलेंगे। भाई ठीक, तू आगे चल रहा, चल, हम पीछे चलने की क्षमता रखते हैं। अब वे कष्ट में आ जाएंगे, बोले क्यों आ जाएंगे, बोले इसको हम किस तरीके से परेशान करना चाहिए, वो तो परेशान हो ही नहीं रहा है। एक जगह क्या हुआ, एक महात्मा जीत थे, बोले मैं आपके साथ प्रतिक्रमण नहीं करूंगा। मैंने ठीक, मेरे साथ मत करना आप, बिल्कुल नहीं करना, लेकिन हम तो आपके साथ कर सकते ना, आप हमारे साथ नहीं करना। वो कमरे से बाहर चले गए, जहां बैठे गए ना, उनकी समाज में हंसी नहीं होना चाहिए, मैं उनके बगल में जाके प्रतिक्रमण करने लग गया। बोले हम आपके साथ, आपके साथ आप नहीं करोगे ना, हम कर रहे हैं, अब तुम्हारा टेंशन नहीं होना चाहिए, अपने वचन पर अडिग रहो। उन्होंने 3 दिन ऐसा नाटक किया, पर 4th दिन अपने आप ठीक हो गए। वो समाज को दिखाना चाहते थे कि देखो मैं ऐसा करना चाहते हैं, हमने 1 दिन ही नहीं देखने दिया समाज को। तो ये क्षमता उसकी, वही औदिक भाव उसके बेचारे का, वो अपने औदिक भाव से परेशान है, हम क्यों परेशान हों, इतनी क्षमता लाना पड़ेगी। सती सूरा महिश्वास बहुवो रमा कोविदहा विरला किन वक्तारा सभायम लब्ध कीर्त्या। वकील साहब रजनीश भैया, बहुत कठिन एक विषय है। संति सूरा महिश्वास, बहुत संसार में सूर हैं जो कि समर भूमि में रण में क्षेत्र में खड़े होकर के वीरता के साथ, महिश्वासा बहुवो रणा कोविदा, कोविदा रण को जीतने वाले, को भी देनी ज्ञाता, रण ज्ञाता, बहुवो रणा, बहुत सारे रणों को जीतने वाले, सामना करने वाले, बहुत सूर वीरों को परास्त करने वाले लोग बहुत 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 संख्या में हैं जो सूरों को परास्त कर दें, ऐसे लोग संसार में बहुत है। लेकिन बिरला किंतु, बिरला किंतु, सभा का समय खाना और श्रोताओं को क्या सिर घुन्ना ऐसे बोलने वाले दर्द उर्द बहुत मिल जाएंगे मेढक, लेकिन सभा में उपदेश दे करके सभा को प्रमुदित करने वाले ऐसे वक्ता विरला, वक्ता विरले होते हैं। सभायाम लब्ध कीर्त्या, रण क्षेत्र में जा करके युद्ध करके आ जाना सरल है, धर्म मंच पर धर्म उपदेश देना
ये बहुत कठिन है। इसलिए ऐसे लोग बहुत ही थोड़े जो बिना कांपे मालूम, नहीं तो लोगों को खांसी आती, प्यास लगती है, ऐसे कांपते हैं ऐसे जैसे बिरिया झूल रही हो तूफान में, मंच पे ऐसे हिलते हैं, समझ रहे ना, वो माइक पकड़ते 50 बार फिर माइक हिलने लगता है, ठीक है ना, फिर वो बोलते हैं माइक ये डस लेगा सांप, उनको डसता है जिनको मंत्र नहीं आता। सांप किसको डसता है? संजत भाई, जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको मंत्र आता है उसको सांप क्यों डसेगा? जिसको जिसको बीन बजाना आता है वहाँ तो सांप को डसता नहीं, नाचता है। ऐसे जिसको उपदेश देने आता है वो मेरे मित्र, ये डसता नहीं है सांप, वो नाचता है। इसलिए बिरला किंत बक्ता रहा सभायाम लब्ध कीर्ति, हाँ जनता तभी नाचेगी जब नचाने वाले के पास कला होना चाहिए। फूंकने की योग्यता तो है, सुर निकालने की योग्यता नहीं है, तो बांसुरी क्या करेगी, बीन क्या करेगी, सितार क्या करेगी? फूंकने की योग्यता है लेकिन उसके अंदर सुर निकालने की भी योग्यता होना चाहिए, पर सुर निकालने के लिए उसके अंदर तदनुकूल अध्ययन चाहिए। ऐसी कंठ सुरीला है, बोलने की योग्यता है, सब कुछ है लेकिन विषय नहीं है, तो क्या है, विषय भी चाहिए। वो विषय कब आएगा? जब शास्त्रों का सतत अध्ययन होगा। बिना अध्ययन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ वक्ता न हुआ न होगा न है। उत्कृष्ट वक्ता तीर्थंकर देव होते हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं, सबको जानने वाले होते हैं। इसलिए ज्ञाता ही वक्ता होता है, ज्ञाता ही वक्ता होता है, ऐसा जानना चाहिए। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। नमो रिंता नमस्ता नमो आर्य।